योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। यदि आप योग क्रांति परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2023-24 जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा अर्थात MPSET का आयोजन किया गया था और पहली बार इसमें योग को शामिल किया गया था। और आप सभी को यह भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में 16 पद पर भर्ती होनी थी, 16 पद स्वीकृत किए गए थे और यह भी बताया गया था कि यह 16 पद कहां कहां पर आएंगे। इसीलिए योग साधकों को एक उम्मीद थी कि राज्य पात्रता परीक्षा भी हुई है और 16 पद भी स्वीकृत किए गए हैं तो हमारी जॉब लग सकती है, योग में परमानेंट वैकेंसी आ सकती है। लेकिन सब उम्मीदें अब टूट गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 5वें नंबर पर लिखा हुआ है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अग्रांकित 7 विषय ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी। यहाँ पर 7 विषय आप देख लीजिएगा। इनका आयोजन 28/1/2024 को है लेकिन इनमें योग को शामिल नहीं किया गया है। फिर आप 9वें नंबर पर देखेंगे लिखा हुआ है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अग्रांकित 9 विषय और यहाँ पर आपको 9 विषय दिखाई दे रहे होंगे जिनकी परीक्षा 26/5/2024 को होगा और यहाँ पर भी आप देखेंगे योग को शामिल नहीं किया गया है। अब आप 13वें नंबर पर देखेंगे लिखा हुआ है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अग्रांकित 20 विषय और यहाँ पर आपको 20 विषय दिखाई दे रहे होंगे, इनकी परीक्षा 17/11/2024 को होगी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिए जितने विषय शामिल किए गए हैं। MPSET के माध्यम से आप सभी से पैसे तो लिए गए थे लेकिन जॉब आप सभी को 2024 में भी नहीं मिलने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।